स्टूडेंट्स, मी रेनू योर मैथ टीचर. नाउ वी विल डिस्कस एंगल मेड बाय द ट्रांसवर्सल्स. अब ट्रांसवर्सल्स क्या होता है? ट्रांसवर्सल इज ए लाइन विच इंटरसेक्ट्स अदर टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट. कि एक लाइन जो दो या दो से ज़्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, मीट करती है, तो वो क्या होती है? ट्रांसवर्सल लाइन. लाइक हियर एल एंड एम, इन दोनों लाइंस को कौन सी लाइन इंटरसेक्ट करती है? एन. सो एन इज अ ट्रांसवर्सल. वो यहाँ पे भी इंटरसेक्ट करती है इसको और एम को यहाँ पे. क्लियर? सो दिस इज द ट्रांसवर्सल. क्लियर? ए लाइन दैट इंटरसेक्ट्स द टू और मोर लाइंस एट डिस्टिंक्ट पॉइंट्स. डिस्टिंक्ट मीन अलग अलग पॉइंट्स पे मीट करती है. सो दैट इज द ट्रांसवर्सल लाइन. क्लियर? सो दिस ट्रांसवर्सल लाइन एंड दीज टू एंगल्स, दीज टू लाइन्स, देर आर डिफरेंट एंगल्स मेड बाय देम. ये जो ट्रांसवर्सल है, इन लाइन्स के साथ अलग अलग एंगल्स बनाती है. कौन कौन से एंगल होते हैं? लाइक हियर एंगल वन, दिस एंगल टू, दिस एंगल थ्री, दिस एंगल फोर, ये बने. इसी तरह नीचे भी जो है अलग अलग एंगल्स बने. एंगल फाइव, एंगल सिक्स, एंगल सेवन एंड हियर एंगल एट. अब ये जो एंगल्स बने हैं, इनके कुछ नेम्स होते हैं. तो सबसे पहले हम करेंगे फर्स्ट इज इंटीरियर एंगल्स. इस फिगर में इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? इंटीरियर मीन्स जो दो लाइंस के अंदर आते हैं. इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? जो इन टू लाइंस के बिटवीन है. तो इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? एंगल फोर, एंगल थ्री, एंगल फाइव एंड एंगल सिक्स. दीज आर इंटीरियर एंगल्स. दैट इज एंगल फोर, एंगल थ्री, एंगल फाइव एंड एंगल सिक्स. दीज आर इंटीरियर एंगल्स. इंटीरियर मीन्स जो अंदर है इन दोनों लाइन्स के. नेक्स्ट आता है हमारा एक्सटीरियर एंगल्स. एक्सटीरियर एंगल्स, एक्सटीरियर का मतलब क्या होता है? जो बाहर है, बाहर आते हैं. तो बाहर दैट मीन्स इन दोनों लाइन्स के बाहर आते हैं. तो कौन से? वन, टू, एट एंड सेवन. जो बाहर इन दोनों लाइन्स, ये अंदर हो गए और ये दोनों बाहर है. सो दे आर एंगल वन, एंगल टू एंड एंगल एट, एंगल सेवन. क्लियर? दीज आर एक्सटीरियर एंगल्स. उसके बाद हमारे क्या बोलते हैं इनमें, जो न्यू हम वर्ड सीखने, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. टू लाइन्स और ट्रांसवर्सल, इस ट्रांसवर्सल के साथ जो एंगल्स बनते हैं, दैट इज कॉल्ड फर्स्ट पेयर, दैट इज अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते हैं? जो ट्रांसवर्सल के एक अंदर, एक लेफ्ट में है तो दूसरा राइट में होगा, एक राइट में है तो दूसरा लेफ्ट में होगा. मीन्स जो जेड टाइप से होता है क्रॉस, ठीक है? तो अल्टरनेट इंटीरियर, इंटीरियर मीन्स अंदर जो होंगे, इनमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन से हैं? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आगे भी जाके क्लासेस में बहुत यूज होता है हमारा. अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इज एंगल फोर एंड एंगल सिक्स. ठीक है, अकेला सिंगल नहीं होता, पेयर होता है. कौन से दो एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हैं? एंगल फोर और एंगल सिक्स, ये एक पेयर है. और दूसरा एंगल थ्री एंड एंगल फाइव. दीज आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. क्लियर? Next is alternate exterior angles. Alternate exterior angle. Exterior में जैसे बाहर, तो वो होते हैं क्रॉस में ही है हमारे, ठीक है? अल्टरनेट एंगल्स हमारे क्रॉस में होते हैं. तो इसी तरह बाहर वन, तो इधर क्या आएगा? सेवन उसकी cos one. टू और उसके cos one क्या हो गया उसका पेयर? एट. सो alternate exterior angles आर एंगल वन एंड एंगल सेवन और दूसरा पेयर टू एंड एट. क्लियर? अल्टरनेट इंटीरियर है क्रॉस फोर एंड सिक्स, थ्री एंड फाइव. बाहर है एक्सटीरियर वन सेवन टू एट क्रॉस में. क्लियर? तो नेक्स्ट इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. ये भी हम बहुत यूज करते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स. कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? जो ट्रांसवर्सल और जो दूसरी लाइंस हैं, दोनों लाइंस से ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे एक एंगल अंदर है, मीन्स इंटीरियर है, तो दूसरा क्या होगा? एक्सटीरियर. एक इंटीरियर, दूसरा एक्सटीरियर. क्लियर?
और अगर एक एक्सटीरियर है दूसरा इंटीरियर, लाइक पहले ट्रांसवर्स सेम साइड पे साथ में और थोड़े एंगल जो है वो सेम साइड पे होते हैं पेयर में, जैसे वन वन के कॉरस्पॉन्डिंग क्या आएगा, ये ट्रांसवर्स, ये क्या एक्सटीरियर है ना, लाइन के बाहर है, तो इंटीरियर क्या बनेगा, वन एंड फाइव, क्या बना है हमारा एंगल वन एंड एंगल फाइव, ये वन पेयर हो गया। दूसरा टू सॉरी फोर एंड एट, फोर अंदर है तो सेम, एट क्या है हमारा बाहर, फोर और एंगल एट। नेक्स्ट पेयर ये एंगल टू और ये एंगल सिक्स, टू एक्सटीरियर है और सिक्स इंटीरियर है। नेक्स्ट पेयर हमारा एंगल टू और एंगल सिक्स, फिर नेक्स्ट पेयर एंगल थ्री और एंगल सेवन, दीज आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, वन इज एक्सटीरियर अदर इज इंटीरियर, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, कि ट्रांसवर्सल के सेम साइड पे जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं, तो इन पेयर्स ऑफ pairs of interior angles on the same side of transverse. So transverse के same side, ये transverse है, same side ये होगी, interior की बात है तो interior तो 4 and 5 है, so same side पे pairs of interior angles क्या आते हैं हमारे, एंगल फोर और एंगल फाइव, और दूसरा पेयर एंगल थ्री एंड एंगल सिक्स। दीज आर द बेसिक एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल, क्लियर। अब इसके बाद सेम ट्रांसवर्सल, ये तो हमारी लाइंस हैं नॉन पैरेलल, क्लियर, पैरेलल है या नॉन पैरेलल है, तो ये हमारे एंगल्स बनते हैं। सो इफ दीज लाइंस आर पैरेलल, अगर ये एल और एम लाइंस पैरेलल होती, ये ट्रांसवर्सल होती, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये जो पेयर्स हैं दे आर इक्वल, क्लियर। इफ दीज लाइंस आर पैरेलल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ये हम चीज़ें यूज करते हैं जब हम एंगल्स फाइंड आउट करते हैं मिसिंग एंगल्स। सो नाउ कम टू नो इफ दीज लाइंस आर पैरेलल, अब हम क्या करते हैं, एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस मेड बाय ट्रांसवर्सल। अब पैरेलल लाइंस में जो ट्रांसवर्सल है वो किस तरह के एंगल बनते हैं, एंगल्स तो यही होते हैं लेकिन उनका क्या रिलेशनशिप है, वो किस टाइप के बन जाते हैं। दीज आर द टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस पता है ना, जैसे अपोजिट कॉर्नर्स ऑफ दिस ब्लैक बोर्ड हो गए एजेस, ठीक है, और ट्रैक हो गया रेलवे ट्रैक, दिस इज ट्रांसवर्सल, ये उनको एक लाइन कट कर रही है ट्रांसवर्सल। एल एंड एम आर पैरेलल एंड एल इज ट्रांसवर्सल, क्लियर। सो एंगल मेड बाय ट्रांसवर्सल बिटवीन पैरेलल लाइंस, मेड बाय ट्रांसवर्सल इन पैरेलल लाइंस। अब हम पैरेलल लाइंस में बात करते हैं, नाउ एल पैरेलल टू एम, एल और एम पैरेलल आ रही है और एन इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल आ रही है, तो इफ लाइंस आर पैरेलल वन इज ट्रांसवर्सल, तो हमारी ये जो एंगल्स बन रहे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट, सो अल्टरनेट फर्स्ट हमारा क्या है कि इफ लाइंस आर पैरेलल देन फर्स्ट अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, तो हमारे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या थे, कौन से थे, जी में। अब पैरेलल लाइंस में प्रॉपर वो सीधी लाइन हो जाती है, तो ये याद रखना अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होते, जो जेड बनता है हमारा जी, इस तरह से एक एंगल इधर वाला एक एंगल इधर वाला, उल्टा जेड भी, ठीक है, सीधा जेड हो या उल्टा जेड, तो ये जो एंगल्स होते हैं पैरेलल लाइंस में अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं,
तो यहाँ पे क्या आ रहा है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या है हमारा, 4 and 6 है ना, क्रॉस में जो बताया था 3 and 5, सो दीज आर इक्वल, मीन्स एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 5, क्लियर। सेकेंड इज कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, अब पैरेलल लाइंस में जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इफ द लाइंस आर पैरेलल, ये चीज होनी चाहिए, लाइंस आर पैरेलल देन वी कैन से दैट यस कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल क्या है 1 और इससे क्या बन जाएगा ये 5, ट्रांसवर्सल के सेम साइड में 1 एक्सटीरियर है तो दूसरा इंटीरियर, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, फर्स्ट पेयर हमारा यही था, दूसरा एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, तीसरा पेयर हमारा एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 और नेक्स्ट एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7, क्लियर। द एंगल्स अ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स बिटवीन पैरेलल लाइंस आर इक्वल, सो वन एक्सटीरियर द अदर इज इंटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, क्लियर, वन इंटीरियर देन अदर इज एक्सटीरियर, क्लियर। तो अब नेक्स्ट हमारा क्या था, पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, उसको जो हम पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इनको जो हम को इंटीरियर एंगल्स भी कहते हैं, क्लियर, क्या बोलते हैं इनको, को इंटीरियर एंगल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड को इंटीरियर एंगल्स, और ये को इंटीरियर एंगल्स इक्वल नहीं होते, अगर ये इक्वल हो तो समिति सारे बराबर होंगे, क्योंकि 1 and 6 तो ऑलरेडी बराबर, अल्टरनेट 3 और 5 भी बराबर है, अगर 4 और 5 बराबर होंगे इसका मतलब सभी जो है इक्वल हो गए एक दूसरे के, सो इंटीरियर एंगल्स यानी 4 and 5 3 and 6 देयर सम इज 180 डिग्री, क्लियर, व्हाट इज देयर सम इज 180 डिग्री, एंगल 4 and 5 सम इज 180 डिग्री एंड आल्सो एंगल 3 प्लस एंगल 6 देयर सम इज आल्सो 180 डिग्री, क्लियर दिस थिंग, कि बिटवीन पैरेलल लाइंस एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल देन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दैट मीन्स को इंटीरियर एंगल्स देयर सम इज 180 डिग्री, दे आर सप्लीमेंट्री, क्लियर दिस थिंग। सो नाउ इफ यू हैव कन्वर्स, कन्वर्स मीन उल्टा, कई बार होता है हमें लाइंस पैरेलल नहीं है, हमें शो करना है कि शो दैट दीज लाइंस आर पैरेलल और नॉट, वेरीफाई करना है या शो करना है, सो तब तब हम क्या करेंगे, यू हैव गिवन द एंगल्स, आपको एंगल्स ही होंगे, क्लियर, तो देन यू चेक आर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, कि क्या 4 और 6 ये इक्वल आ रहे हैं, इफ दे आर इक्वल सो दैट मीन्स इफ अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल दैट मीन्स लाइंस आर पैरेलल, अगर अल्टरनेट एंगल्स इक्वल नहीं है इसका मतलब लाइंस पैरेलल नहीं है, सेम एज अगर आपका कॉरस्पॉन्डिंग पेयर बनता है, इफ द कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल 2 और 6 इक्वल है देन लाइंस आर पैरेलल, सेम एज इट इफ यू हैव गिवन द इंटीरियर एंगल्स द सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज 180 सो दैट मीन्स लाइंस आर पैरेलल, मीन्स इसका उल्टा कन्वर्स भी, अगर ये चीज़ें प्रूव करते हो लाइंस पैरेलल है, अगर लाइंस पैरेलल है तो ये चीज़ें इक्वल है, और यू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, थैंक यू।